सहारा निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद अहम। पटना हाई कोर्ट में पेश होंगे उद्योगपति सुब्रत राय। सहारा निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद अहम हो सकता है। जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सहारा सुब्रत राय सभ्य कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुब्रत राय बुधवार को ही पटना पहुंच चुके हैं, यानी कि इस वक्त 12 मई 2022 की लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने जो निकल कर आ रही है दोस्तों, ये इस वक्त पटना हाई कोर्ट की बड़ी यहां पर खबर निकल कर आई है दैनिक जागरण द्वारा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। पटना हाई कोर्ट द्वारा यहां पर आई बड़ी खबर, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज उनके मामले की पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान सहारा ग्रुप आज कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय सभ्य कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इसके लिए वे पटना पहुंच चुके हैं। सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर 27 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन 11 मई की सुनवाई नहीं हो सकी। अब गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। मालूम हो कि 27 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए पैसों का भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज का संस्थापक सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था। सुब्रत राय बुधवार को ही पटना पहुंच गए थे, लेकिन किसी वजह से पटना हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी। 27 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में यह बताया कि कंपनी के ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं, लेकिन कोर्ट ने दलील को नामंजूर कर दिया था और सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिया था। जबकि 27 अप्रैल से पहले हुई सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने सहारा समूह से यह जानकारी देने के निर्देश दिया था कि सहारा इंडिया कंपनी के अलग अलग स्कीमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है, उसे किस तरह से कंपनी जल्द से जल्द लौटाएगी। कई सालों से कंपनी में पैसा फंसे होने की वजह से निवेशक परेशान है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय को 11 मई को यहाँ पर एक हेयरिंग थी, लेकिन 11 मई को सहारा सुब्रत राय वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। अब हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अगले दिन फिर उनकी एक तारीख रख दी, बोले कि 12 मई को सहारा सुब्रत राय को जो है हाजिर होना पड़ेगा। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा, हो सकता है कि गिरफ्तारी भी उनकी हो जाए। इसी के डर से सहारा सुब्रत राय को आज पटना हाई कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। जो भी अपडेट दोस्तों आई है, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आए। अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी वहां पर और एक घंटे के बाद हेयरिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि जो तारीख है उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। धन्यवाद। जय जय भारत।